ब्रह्मणिहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः विष्णवे नमः व्यासाय नमः अनंतकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाकी बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशा श्रीकृष्णाय वयम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव शिष्यते। मुखं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं राधिकानायकं कृष्णचन्द्रं भजे राधिकानायकं कृष्णचन्द्रं भजे।
ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः मधुराष्टकम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरा विचित्र
శ్రీ గురువే నమః. స
सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ उपस्थित आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हृदय को प्रेम रस, भाव रस और भक्ति रस से भरपूर करने वाली यह गोपी गीत कथा हृदय के सभी दोष, सभी विकारों का समूल विनाश करने वाली यह भगवत कथा ऐसे आनंद के धाम को ये कथा प्राप्त कराती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि दुख होता भी क्या है, क्या होता है शोक, क्या होती है चिंता, हम भूल जाते हैं। ऐसे भाव में और ऐसे भाव रस में हम डूब जाते हैं, डुबकी लगाते हैं कि फिर पता चलता है कि हां, मनुष्य जन्म की महिमा इसलिए ही बनी हुई है। हमारे सबके जीवन के जो उद्देश्य है, जो हमारा ध्येय है, जिन उद्देश्यों को लेकर मनुष्य जन्म को अनमोल कहा गया और इस धरती पर हम मानव जन्म को धारण करे हुए हैं, उन सभी उद्देश्यों की चर्चा इन गोपियों की चर्चा में हमें मिलती है। गोपियों के भाव में, गोपियों का जो आदर्श जीवन है, जिस तरह से उन्होंने अपने आप का निर्माण किया, अपने जीवन को गोपियां जी रही है, हम भी महाजनो एनगतम सह पंथा। हमें हमेशा कहा गया कि हम उस रास्ते पर चले जिस रास्ते से हमारे जो संत महात्मा है, जो थोर पुरुष है, वो जैसे अपने जीवन को जिए है, हम भी सब उनके जीवन पर चलने की कोशिश करें, वैसे ही जीवन को जीने की कोशिश करें। तो इस कथा में उपस्थित आप सभी का मैं हृदय से अभिवादन करता हुआ, आप सबको धन्यवाद देता हुआ, ये पूज्य गुरुदेव की कृपा है, हमारे जगत गुरु जी भगवान की कृपा है कि माँ गंगा की गोद में बैठकर हम इस कथा का आनंद ले पा रहे हैं, क्योंकि राम कृपा बिन सुलभ न सोही। ये राम के कृपा बगैर सुलभ नहीं होता। बाकी सारी भौतिक सुख तो मिल सकते हैं जीवन में, लेकिन जब सत्संग मिले, जब हरिनाम संकीर्तन करने का मन हो जाए, तो समझना ये किसी संत की कृपा है, ये भगवान की कृपा है, क्योंकि ये संत और भगवान की कृपा से ही मिलता है सत्संग। उनकी कृपा में भौतिक सुख नहीं मिला करते, जो शाश्वत सनातन सुख है, जो आनंद है, वो मिला करता है। तो आज मैं और आप यहां सब उपस्थित है, ये संतों की कृपा है, ये प्यारे भगवान की कृपा है। ऐसी हमारी जगत गुरु जी की कृपा भी है, उनके सानिध्य में, कृपा छत्र में, छत्र छाया में यहाँ पर ये कथा हो रही है। वैसे ही हमारे परम पूजनीय, परम श्रद्धे हमारे राम किशन दास जी महाराज यह उपस्थित है, उनके भी हमें आशीर्वाद हर रोज यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। हमारे गुरुमाल जी आज कई व्यस्त थे, तो आप सभी का हृदय से
अभिनंदन करता हुआ, स्वागत करता हुआ इस सभा में। आइए एक मिनट मेरे साथ आप भी। वैसे तो आप मन की एकाग्रता से बैठो ना तो मधुरम जो स्तोत्र है मधुराष्टकम उसी में सब कुछ मिल जाता है। इसलिए शुरुआत में जो स्तुति की जाती है ना किसी भी कथा में, जब स्तुति हो रही हो, जब गान हो रहा हो, बस उसको एकाग्रता से सुने। अगर गा सकते हैं तो वक्ता के साथ गाए, क्योंकि वक्ता भी तो, व्यास जी भी तो इसीलिए स्तुति करते हैं कि मैं पहले अधिकारी तो बनूं, मैं दास हूं। आवाहनम न जानामि न जानामि तवार्चन, मैं कुछ जानता नहीं हूं, पर उस अधिकार को हम प्राप्त कर सकते हैं भगवान को याद करते हुए, भगवान का मंगलगान करते हुए। क्योंकि यहां आने से पहले हम थोड़ा सोचते जरूर है कि आज कौन सी चर्चा है कथा में, कैसी चर्चा है, लेकिन जो सोच कर आते हैं वो यहां बोल ही नहीं पाते, और यहां बैठने के बाद अलग कुछ हो जाती है चर्चा। क्योंकि ये बुलवाने वाला कोई और है, वही बुलाता है, बस उसके साथ जुड़ना होता है। तो ये स्तुति भगवान की, ये प्रार्थना बस वो हृदय से हो, भाव से हो, उसमें करुणा हो, उसमें समर्पण हो, पूरा पूरा विश्वास हो, तब जाके वो बात बनती है, तब जाके हम जुड़ते हैं। और मन की एकाग्रता जब बनेगी तब अगली कथा आप सुन पाओगे, या तो सुनने का बैठने का कोई मतलब भी है। इसलिए शुरुआत में भगवान की स्तुति और भगवान को याद करना जरूरी बन जाता है। जैसे आप जो भी हमें, वैसे तो प्रतिदिन हम भगवान को याद करते रहे करना चाहिए। सुबह जगने के बाद बस उस परमात्मा को याद करे, उसे धन्यवाद कह दे। न जाने जीवन में किस किस को थैंक यू बोल बोल देते हो। किसी से वस्त्र खरीदे तो खरीदने के बाद भी थैंक यू जरूर बोल देते हो, पैसा देने के बाद भी, पेमेंट करने के बाद भी। और जो फ्रीज ऑफ में सब दे रहा है, ये पूरा ऑक्सीजन, ये हवा चल रही है, ये प्रकाश फैल रहा है, ये बरसात होती है, कितनी कितनी व्यवस्थाएं, क्या उसको थैंक यू नहीं होनी चाहिए। कहीं आप सोने की अंगूठी बनवाते हो, जब लेने जाओगे तो पैसा जरूर दोगे सुनार को, पैसा जरूर दोगे सोने का भी, और मजूरी का भी पैसा अलग से दोगे, और जाते समय बोलोगे बहुत बढ़िया बनाई, थैंक यू, धन्यवाद भाई। उसे तो पैसे दे के आपने धन्यवाद कह दिया, कहना भी चाहिए, लेकिन ये उंगली देने वाले को भी तो थैंक यू बोल दो, उसे भी तो धन्यवाद देना हम याद रखे। वो ये उंगली न देता तो कहां पहनते। इसलिए मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अंगूठी बनाने वाले को धन्यवाद, मैं कोई उसका विरोधी नहीं, वो धन्यवाद देना चाहिए, मैंने भी दिए थे, लेकिन शरीर बनाने वाले का कब होगा। ये शरीर है तो ये सारी चीजें हैं, तो शरीर जो इतना सुंदर बनाया, जिसके कारण ये सारी दुनिया आपके लिए उपस्थित है, उस शरीर बनाने वाले को भी हम धन्यवाद दे। आज नहीं, हर रोज प्रतिदिन हम उस परमात्मा को धन्यवाद दे, उसकी प्रार्थना करे, जितना हो सके उसका गुणगान करे। इसलिए हर रोज की सुबह जिस जिस भगत की सुबह भगवान की याद से हो जाए, भगवान की स्तुति से, भगवान की प्रार्थना से हो जाए, शुरुआत में ही बस आंखों से भगवान को देख लो, सुबह के समय आंखों से बस भगवान के दर्शन, कानों से भगवान का नाम सुनाई दे, अपने श्रीमुख से भगवान के नाम का उच्चारण कर दो, उस दिन पूरा दिन भगवान आपके साथ जुड़े रहेंगे, पूरा दिन। न कोई गलत सोच मन में भगवान आने देगा, जो होगा आपका अच्छा ही होगा पूरा दिन। बस सुबह सुबह
जोड़ दो अपने आप को भगवान से, प्रतिदिन उसे याद करते रहिए जितना याद कर सकते हो। वैसे तो कहा जाता है कि जो हर हमारी श्वास चल रही है अगर बगैर भगवान के नाम से चलती है तो श्वास भी व्यर्थ है। हम तो दिन भर नहीं करते याद, कैसे चलेगा। और भाई हम ये स्तुति जो करते हैं ना, ये भगवान के लिए नहीं, हमारे लिए होती है। भगवान को हम क्या प्रसन्न करें, वो तो प्रसन्न ही है, प्रसन्नता तो हमें प्राप्त करनी होती है, इसलिए भगवान की स्तुति गाए और भगवान को याद करें। आइए दो मिनट के लिए मन की एकाग्रता के लिए आप भी गाइए, अपने कमल मुख को हम भी पवित्र करें भगवान को याद करते हुए। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, भाइये राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, जो थी ना कुछ गोपियां तो भगवान को भूलने के लिए ध्यान करती थी। बोलो, ये इनकी याद से जाता ही नहीं था और ये इनकी याद से न जाने के कारण कभी खीर बनवाए तो खीर में शक्कर की जगह ये नमक डाल देती थी। सासू डांटती थी, सासू क्रोध करती थी, सासू बहुत फिर क्रोध करती थी कि इसे तो भोजन बनाना ही नहीं आता, कहां ध्यान था, ध्यान नहीं दे सकती। बोले तेर तू तो पगला गई है। बोले ध्यान होगा उस कृष्ण में, इसलिए शक्कर की जगह नमक डाल दिया खीर में। खबरदार आज के बाद उस कृष्ण को याद किया। अब पहले की सास, पहले की बहू थी, सासू की सुनती थी, तो बहू ने बात सुन ली। आज की बहुओं को आश्चर्य लगेगा, बहू ने बात सुन ली कि मेरी सासू मां कह रही है कि अब उस लाले को, लाला को भूल जा, उस कन्हैया को तो भूल जा, कृष्ण को। बहू ने बात मान ली, अब भूले तो कैसे भूले, तो ध्यान करने बैठ गई। वहीं से एक गोपी ने देखा कि ये क्या कर रही है, उसको वो पूछने लगी, क्या कान्हा को याद कर रही है। उस ध्यान में बैठे गोपी ने कहा कि याद नहीं कर रही, मैं भूलू तब तो ना याद करना पड़े, फिर कौन सा ध्यान कर रही है। बोले मैं ध्यान इसलिए कर रही हूं, मैं कोशिश ये कर रही हूं कि उस कृष्ण को भूल जाऊं, मैं उसको मन से निकालना चाहती हूं, मैं उसे भूल जाना चाहती हूं, वो मैं उसको भूल ही नहीं पा रही। अरे बोले भूल क्यों रही हो, क्यों अपनी यादों से उसके उसे निकाल रही हो। बोले शक्कर की जगह नमक आ रहा है खीर में, कभी सब्जी बनाती हूं तो नमक ज्यादा हो जाए, नमक कम हो जाए, हर रोज
सासु माँ क्रोध कर रही है मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता, तो ये कृष्ण के कारण ये कहने यहाँ के कारण मेरी याद में मेरी सोच में यही रहता है। बस जब सब्जी बनाती हूँ, जब रोटी बनाती हूँ, जब घर का कोई भी काम करती हूँ, बस कृष्ण कृष्ण और कृष्ण ही दिखाई देता है मुझे। शक्कर और नमक में फर्क ही नजर नहीं आ रहा, क्या करूं, इसने तो मुझे पागल कर रखा है, मैं इसे भूलना चाहती हूं। थोड़ी देर बाद वो गोपी वापस आई, ध्यान में बैठी गोपी को पूछने लगी, क्या हुआ? बोले, क्या करूं, ये बला तो जानी जा ही नहीं रही, मैं नहीं भूल पा रही उस कृष्ण को, मैं अपनी यादों में से नहीं निकाल पा रही हूं उस कृष्ण को, क्या करूं। गोपी ने कहा, छोड़, ये अनहोनी है, ये कृष्ण ऐसा है ना, जल्दी तो यादों में आता नहीं, आता है तो फिर जाता नहीं है। इस पर पहले तो किसी का भाव आता ही नहीं है, और जीस का भाव आ जाए फिर क्यों ना उसे जहर पिलाकर मारने की कोशिश हो जाए, फिर वो भाव जाता नहीं है। गोपी ने बहुत कोशिश की कृष्ण को भूलने की, भूल नहीं पा रही है, इतनी याद, इतनी अपनी यादों में रोम रोम में कृष्ण। वो गोपी भगवान को भूलने के लिए कोशिश कर रही है, और हमें तो याद कराना पड़ता है कि भगवान को याद करिए। वो भूल नहीं पा रही और हम याद नहीं कर पा रहे, ये है फर्क। हमें संसार याद नहीं कराना पड़ता, संसार याद रह जाता है, लेकिन भगवान का चरित्र, भगवान का नाम याद कराना पड़ता है। जो नासीवंत है वो याद कर लेते हो, उसके लिए कथा नहीं करनी पड़ती, कथा इसलिए करनी पड़ती है कि भगवान को भजिए, भगवान को याद करिए, भगवान का भजन करिए, इसलिए कथा करानी पड़ती है, उल्टा है। जो जो क्षणिक है, जो क्षण भंगुर है, जो नासीवंत समाप्त हो जाने वाला है, उसे हम याद रखते हैं। कोई कथा तो ऐसी नहीं करनी पड़ती कि भाई संसार को भूलना मत, नहीं करनी पड़ती, लेकिन भगवान को याद करो इसलिए कथा करनी पड़ती है, याद कराना पड़ता है। हम भगवान को याद करें, जुड़े, और जब हृदय से प्रेम जुड़ जाता है तो याद कराना नहीं पड़ता, बल्कि उसे भूलना मुश्किल हो जाता है। जब हृदय से उसे हम प्रेम करते हैं, भजते हैं, तो नहीं तो मैं कहूं और फिर आप करें, मैं तो हम तो हमेशा कहते हैं भाई हमारे प्रणाम से भी जरूरी है आप भगवान का भजन करें। अगर हमारे प्रणाम की जगह आप अगर अपने कमरे में बैठकर अपने धाम में जहां अच्छी जगह हो वहां बैठकर अगर आप भजन कर लेते हो, आप भगवान को भगवान के नाम की माला कराते हो ना, तो प्रणाम की जरूरत ही नहीं है। आपने भगवान को याद करना संतों का प्रणाम है, लेकिन हम भजन में नहीं, हम एक ही बात में कहे तो हम संतों को मानते हैं, हम संतों की नहीं मानते। हम संतों को जरूर मानते हैं, हम वेदों को मानते हैं, वेदों की नहीं मानते। संतों को मानते हैं, गुरुओं को मानते हैं, गुरुओं की नहीं मानते। मैंने हमेशा कहा कि बस भगवान का भजन करना, गुरुदेव जो कहते हैं, संत जो कहते हैं, उसी तरह हमने करते रहना, उनका प्रणाम है, सम्मान है, उनका आदर है। तो सारे संत तो यही कहते हैं भगवान का भजन करिए, तो जब आप भगवान का भजन करने बैठते हो, आप अपने गुरुदेव का, आप अपने सद्गुरुदेव का प्रणाम कर रहे हो, आप उनके शरण में हो, अलग से कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन हम
गुरुओं में संतों में फंस जाते हैं और उनमें फंसने के कारण भगवान से दूर होते चले जाते हैं, कथा को भूल जाते हैं, कथा वक्ता को ज्यादा याद रखते हैं, कथा को भूल जाते हैं, कथा वक्ता से परिचय कराते हैं। महाराज जी आपका कारण है, हमसे परिचय जरूरी नहीं। यहां बैठकर जो वाणी निकल रही है वो वाणी जरूरी है, वो उद्धार करेगी, न का मेरा परिचय न मेरा प्रणाम। मेरी कही हुई बातें बस आप जीवन में उतारे। हमारे गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि गुरु हमारा उद्धार नहीं करते, गुरु की वाणी अगर हम जीवन में उतारते हैं तो वो गुरु की वाणी हमारा उद्धार करती है। इसीलिए हम प्रणाम जरूर, कई कई लोग गुरुओं को ही भगवान समझ बैठते हैं, सबसे बड़ी भूल है। भगवान भगवान ही है। हम जिन संतों को मानते हो, हम जिन ये महापुरुष है, इनको प्रणाम करिए, ये भगवान के भेजे दूत है। ये एक हमें जोड़ते हैं भगवान से, लेकिन बस हम आप हमारे गुरु हो और आप हमारे गुरु ही हमारे भगवान हो, बस हमें और कोई किसी भगवान की जरूरत नहीं है, ना हमें कोई भगवान चाहिए। ये गलत है। आप खुद भी बिगड़ रहे हो और आप उनको भी बिगाड़ रहे हो जिनको भगवान मानते हो। ये गोपी गीत की चर्चा इसीलिए जरूरी है कि हम किसी शरीर से न जुड़े, हम उस आत्म तत्व उस चैतन्य शक्ति से जुड़े, न कि किसी व्यक्ति से। हम उस ब्रह्म तत्व से, हम उस आत्म तत्व जो संचालन करता है शरीर का, जो संचालन कर रहे हैं इस पूरे धरातल का, हम उसके दास बने। इसीलिए संत भगवान कहा जाता है। संत भगवान की जय, मुझे उसमें कोई दोहराई नहीं है। एक भगवान का ही दूसरा स्वरूप संत है, लेकिन संत भी खुद ये भूल न करे भगवान समझने की, क्योंकि जो ब्रह्म तत्व है वो शाश्वत है। मैंने भी उस तत्व से जुड़ना है और आपको भी उसी तत्व से जुड़ना है। तो इसीलिए आप हमारा प्रणाम करोगे, हमें फूलमाला पहनाओगे, हमारा पूजन करोगे, हमारी आरती करोगे, हमारा सम्मान करोगे, सब कुछ। और हमने कहा था प्रतिदिन सुबह भगवान की एक माला जरूर करना, उसे नहीं करोगे तो क्या मतलब हुआ आपने फूलमाला पहनाई, क्या मतलब हुआ आपने हमारा प्रणाम किया। यहां प्रणाम करते हो और वहां हमने जो कहा था भगवान के नाम की माला करिए, उस माला को भूल जाते हो, अपमान करते हो वाणी का, तो कहां से प्रणाम स्वीकार होगा। इसीलिए ये जो बताया जाता है भगवान को याद करिए, स्मरण करिए, भजिए, आपके लिए बहुत बड़ी साधना होती है, करिएगा। कभी किसी दिन हमारा प्रणाम न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने जो कहा था उसे याद करते रहिए, प्रणाम हो गया। उसे आप हमने जो कहा था भगवान की माला, उस माला को करते रहिए, प्रणाम हो गया। संतों को यही तो चाहिए। संत खुद को महत्व नहीं देना चाहते, खुद को नहीं बड़ा बनाना चाहते, वो तो धर्म की जय कराना चाहते हैं, वो तो भगवान की जय कराना चाहते हैं, वो तो आपको भगवान से जोड़ने आए हैं। इसीलिए भगवान का भजन करते रहिए, आनंद मिलता रहेगा। और जब मैं कहूं तब नहीं, अपने आप होना चाहिए, तब आनंद आता है। इसीलिए आइए दोनों हाथों से भाव से ताली बजाते हुए मेरे साथ आप भी जाइए। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा।
महाराज कहीं प्रसाद बांट रहा हो ना कोई, वहां कैसे हम भीड़ लगाते हैं, पहले मुझे मिल जाए, पहले मुझे मिल जाए, किसी को बचे न बचे मिले न, मुझे तो मिल जाए, मैं तो पालू। उसी भाव से भगवान की ताली बजाइए, उसी श्रद्धा से गाइए, मैं पालू, पहले तो मुझे ही मिल जाए, दूसरे को मिले ना मिले मैं तो पालू। इसी भाव से ताली बजाइए, वहां जैसे भीड़ लगाते हो ना इस नाम में वैसे भीड़ लगाया करो, तब जाके बात बनती है। इसलिए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए राधा राधा कृष्ण राधा गाइए, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा। Radha, 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 Radha
राधा राधा कृष्ण राधा। नाम में ही इतना भाव है। राधा का अगर हम उल्टा कर देते हैं तो होगा धारा। ये प्रेम रस की धारा है, ये भक्ति रस की धारा है जो बहती ही रहती है। राधा नाम अपने आप में पवित्र है। राधा एक भाव का नाम है, राधा एक भाव है। देखो, आप कोई भी मूर्ति बनवा लो, पत्थर की मूर्ति बनवाओ, कुछ दिनों के बाद जीर्ण होती है। आप कागज की बनवाओ फोटोकॉपी, कुछ सालों बाद वो भी फट जाती है, जीर्ण हो जाती है। आप किसी भी धातु से मिट्टी की बनवाओ, जो भी मूर्ति बनवाते हो, कुछ ही सालों के बाद वो जीर्ण हो जाती है। आप मुझे बताइए, हमने अगर भाव की मूर्ति बनवा दी तो जीर्ण होगी कभी? इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा, भावातीतम त्रिगुण रहितम। भावातीतम कि ये भाव इसीलिए जरूरी है हृदय में जगे। ये भाव की मूर्ति हमें बनानी है, क्योंकि भगवान वैसे भी आगे चर्चा आएगी जब निर्गुण गोपियों का जो जूथ आएगा वो कहेगी भगवान कैसे है, वो अलख है, अलख निरंजन, वो निराकार है, हम उसे नहीं हम बुद्धि से सोच सकते, वो अनंत है, आगे चर्चा आएगी। तो कैसे हम उस निराकार को आकार दे सकते हैं? मूर्ति वो सब बनवा दो, जीर्ण हो जाती है, लेकिन हम अगर भाव की मूर्ति बना देते हैं तो वो कभी जीर्ण नहीं होती, तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता। भाव की मूर्ति बनवाओ। तो इसीलिए गोपी गीत है कि हम अपने प्यारे, अपने प्रिय, अपने आराध्य की भाव की मूर्ति बनवाए, बस भावों में उसे निर्माण करे, उसके प्रति भाव निर्माण करे। वो भाव कभी कम नहीं होना चाहिए, वो कभी जीर्ण नहीं होना चाहिए, न होता है, बस भाव की मूर्ति बनवाइए। बाकी मूर्तियां तो भाव की मूर्ति जरूरी है। इसीलिए ये गोपी गीत की चर्चा ही भाव का निर्माण करती है। हम सुन रहे हैं कि कैसे ये गोपियां भगवान के दर्शन करने के लिए तरस रही है, इनकी आंखें तरस रही है। जैसे इनकी ये इस प्रसंग को मैं अगर जोड़ दूं, जब किसी बेटी की विदाई हो रही हो ना, माँ बाप की लाडली बेटी होती है, बेटी उम्र लायक हो गई और बेटी की शादी नक्की हो गई कि अब शादी होनी है, फिर पहले तो जो बाप होता है लड़की का, वो अच्छा जो कोई लड़का हो वर, उसे ढूंढता है, क्योंकि बेटी की शादी बनानी है, बेटी के जीवन का सवाल है। तो बाप तो पहले ढूंढता है कोई अच्छा लड़का मिल जाए, अच्छे लड़के के लिए बाप सब कुछ कराने के लिए तैयार हो जाता है। अगर थोड़ा ज्यादा खर्च भी करना पड़े तो वो उधार पैसे ले आएगा, वो जमीन होगी तो जमीन भी किसी को दे देगा,
उसके बदले पैसे ले लेगा, वो किसी के पास जाके हाथ भी फैलाएगा, बेटी की शादी है, थोड़ी मदद करोगे? याचना में भी उस बाप को कमी महसूस नहीं होती, अपमान महसूस नहीं होता। ये उस बेटी के बाप का हृदय होता है, मन होता है। बाप याचना करता है बेटी की शादी बढ़िया बनानी है, और फिर तारीख फिक्स हो जाती है, पत्रिकाएं छपवाते हैं, बाप प्रिंटिंग प्रेस में जाकर बोलता है अच्छे से अच्छी छपवानी है, बढ़िया पत्रिका हो। अपने बेटी के शादी का कार्ड बांटने बाप खुद सबके घर जाता है, और दिन भर न जाने कितने घरों में भूखे पेट गांव गांव जाकर सगे संबंधियों में मित्रों में पत्रिका बांटता है, पत्रिका देता है और बोलता है आइएगा, बेटी की शादी है, बेटी को आशीर्वाद देने आइएगा। शादी की तैयारियां भी कर रहा है, शादी भी इसी ने फिक्स करी, और कार्ड छपवाने भी गया, पैसों का भी इंतजाम किया, अब मंडप डेकोरेटर वालों को भी बुलवाया, अच्छे से अच्छे मंडप बनाना, बेटी की शादी है, फूल वालों को कहा अच्छा सजाना, अरे बोले खर्चे की चिंता छोड़ दे, खर्चा हो जाएगा। तैयारी भी वो बाप करता है, कार्ड छपवाता है, शादी भी नक्की कराता है, तैयारियां भी कर रहा है, गांव गांव जाकर कार्ड भी बांट रहा है, अच्छे से शादी भी बनाता है, किसी भोजन बनाने वाले महाराज को बुलाकर, रसोइयों को बुलाकर उसे कहता है अच्छे से मिठाई बनाना, मिठाई बिगड़ न जाए, भोजन बिगड़ न जाए। और दो दिन तो लगते हैं, आने वाले मेहमानों को मैं क्या खिलाऊं, सोचता है, फिक्स होता है, बस आने वाले को हम ये खिलाएं। सारी तैयारियां वो बाप कर रहा है शादियों की, लेकिन जब कन्यादान हो जाता है और बेटी जब ससुराल जाने के लिए निकल पड़ती है, तो जो कार्ड बांट रहा था जो बाप, इतनी उत्साह से जो तैयारियां कर रहा था वो बाप, वो अब की बार टूट जाता है, इसका हृदय टूट जाता है, आंखें नम हो जाती है। और एक ही ऐसा ये प्रसंग जीवन में होता है कि बाप के आंखों में आंसू जरूर आते हैं, कितना बाप कठोर हो। वैसे तो मैं नहीं मानता कोई बाप कठोर होता है, हृदय टूट जाता है उस बाप का, तैयारी ही उसने की, कितना जोश था, उत्साह था, अच्छे से अच्छा कार्ड छपवाओ, भोजन कराओ, कितना खुश होकर तैयारियां कर रहा था। लेकिन अब प्रसंग आया कि जिसको जन्म दिया था, बचपन से जो साथ रह रही थी, जो मेरा हृदय है, मेरी बेटी लाडली, अब वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर, इस घर को छोड़कर ससुराल जा रही है, आएगी जरूर, लेकिन कल अब जाने के बाद जब आएगी तब इस घर की मेहमान बनकर आएगी। घर से इजाजत मिले तो वापस आएगी। तो बाप का हृदय टूट जाता है, उस बाप का जो भाव है अपने बेटी के प्रति, वो बाप नहीं सहन कर पा रहा है कि जिसको जन्म दिया, जन्म से लेकर आज 20 सालों तक जो मेरे पास थी, मेरे नजर के सामने थी, ये सुवे तो रात पड़े ने जागे तो सवार, डिकरी मारी लाडक भाई लक्ष्मी नो अवतार। ये मेरी बेटी तो लक्ष्मी का अवतार है, ये सो जाती थी तो लगता था रात हो गई, और जब जागती थी तो ऐसे लगता था कि बस रात में भी अगर जागती थी तो ऐसे लगता था अभी तो दिन है। इतना आनंद मेरे बेटी के कारण मेरे घर में था, वो बेटी आज जा रही है। उस बेटी के प्रति हृदय में, उस बाप के हृदय में जो प्रेम है, जो करुणा है,
जो आंसू उस बेटी के प्रेम में निकल रहे हैं, बस यही हालत यहां गोपियों की बन चुकी है कि हे कृष्ण, इतना हम आपसे जुड़े आपके लिए हम जी रहे हैं कृष्ण, वरना जीने का तो हमने मन छोड़ ही दिया था कि अब जीना भी है। हम तो एक 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 दिन गुजार रहे थे कृष्ण, लेकिन आप आए तब से जीवन को जीने लगे हैं। वैसे ही हालत इन गोपियों की बन चुकी है। नहीं, जैसे उस बाप का हृदय सहन नहीं कर पा रहा है कि मेरी बेटी आंखों से दूर हो रही है, मुझसे दूर जा रही है, वो बाप सहन नहीं कर पा रहा है। इस सामान्य प्रेम के लिए अगर उस बाप के आंखों में आंसू आ रहे हो, यहां तो भगवान की बात थी। जन्म जन्म का जो बाप है, जो हमारा आत्म तत्व है, जिसने ये जीवन दिया, ये जो जगत का निर्माता है, ये तो उससे प्रेम, जो सनातन सत्य है, उसके प्रेम की बात थी। गोपियां कैसे सहन करती, आज इनका भी हृदय टूट चुका है, आंखों में से आंसू बह रहे हैं और भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कृष्ण, प्रकट हो जाओ और हमें दर्शन दो, हमें आपके दर्शन करने हैं। आपके बगैर हम जी नहीं सकते, आपके बगैर हम रह नहीं सकते, गोपियां प्रार्थना कर रही है। और प्रार्थना, क्योंकि भगवान अंतर्धान हो चुके थे, भगवान दिखाई नहीं दे रहे थे, और ये भगवान दिखाई नहीं दे रहे थे इसलिए ये गोपियां विचलित हो रही थी, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए, वापस उस रास लीला में प्रकट करने के लिए ये गोपियां कोशिश कर रही थी, भगवान को मना रही थी। जिस श्लोक का हमने उच्चारण किया, पहले श्लोक का,